हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती 2020 के बारे में, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इस भर्ती के अंतर्गत पोस्ट है क्लर्क, लैब असिस्टेंट एंड अदर्स, जिनके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम एजुकेशन में 10वीं पास, 12वीं पास या डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं या 12वीं या डिग्री या डिप्लोमा रखते हो और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना ज़रूरी है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है, सिलेक्शन आपका किस बेस पर होगा, आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अब मैं आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती 2020 की कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको WBPCB भी कहा जाता है। यहाँ पर पोस्ट है असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, इन्वायरमेंटल एनालिस्ट, सीनियर अकाउंट्स क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, लैब असिस्टेंट, जूनियर इन्वायरमेंटल असिस्टेंट, जिनके लिए 48 वैकेंसी निकली है और इन वैकेंसीज पर अप्लाई करने के लिए 18 से 37 साल का होना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 37 साल रखी गई है। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर पोस्ट के लिए डिग्री इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत या केमिकल या सिविल या मैकेनिकल या इन्वायरमेंटल या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होना ज़रूरी है। जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत या केमिकल के अंतर्गत या फिर सिविल या मैकेनिकल या इन्वायरमेंटल या बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होना ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल एनालिस्ट पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री कॉमर्स के अंतर्गत होना ज़रूरी है। अकाउंट्स क्लर्क के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इन्वायरमेंटल असिस्टेंट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कितनी एप्लीकेशन फ़ी जमा करानी होगी, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। सैलरी आपको पोस्ट वाइज मिलने वाली है, जो कि इस प्रकार है। असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए 56,100 रुपये पर मंथ, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए 35,800 रुपये, इन्वायरमेंटल एनालिस्ट पोस्ट के लिए 32,100 रुपये, सीनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए 28,900 रुपये पर मंथ आपको सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। अकाउंट्स क्लर्क के लिए 22,700 रुपये, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी 22,700 रुपये, जूनियर इन्वायरमेंटल असिस्टेंट के लिए भी 22,700 रुपये आपको सैलरी के रूप में पर मंथ मिलने वाले हैं। जॉब लोकेशन है वेस्ट बंगाल, बट ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग डेट है 10 दिसंबर 2020, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। ऑफिशियल वेबसाइट है WBPCB.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।